सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग दंपति थे, किसी एक कॉलोनी में अकेले रहा करते थे क्योंकि उनका बेटा अपनी बीवी के साथ विदेश शिफ्ट हो गया था। उनका रोजाना का रूटीन था कि वो रोज मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह के भ्रमण पर जाया करते थे और एक अच्छी जिंदगी जिया करते थे। भले ही उनके पास उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन जो उनके पास था वो उसका भरपूर मजा लिया करते थे। लेकिन वो रोज देखते थे एक युवा लड़का साइकिल लिए रोज निकलता है और साथ में उसके फावड़ा होता है जिससे खुदाई करते हैं वही फावड़ा। अब वो लड़का भी उनकी कॉलोनी में रहता था, तो उनके दिमाग में प्रश्न आना लाजमी है। 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने उस लड़की से पूछने के बजाय उसका पीछा किया। वो लड़का एक पेड़ के पास रुक गया और बगल में ही गड्ढा खोदने की प्रैक्टिस करता था। अब दंपति ने पूछा कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। एक जगह मैंने इसके लिए बात की तो पता चला कि जिस लड़के को खेती का थोड़ा बहुत भी काम आता होगा उसे ये नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसके लिए कोशिश और मेहनत कर रहा हूँ ताकि कुछ दिनों बाद मुझे भी रोजगार मिल सके। उन बूढ़े दंपति ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और कहा कि कोशिश करते रहो बेटा, एक दिन तुम सफल बनोगे। और याद रखना, कोशिश करना एवं लगातार कोशिश करने में काफी फर्क है। जो लगातार मेहनत करते हैं सफलता उनके कदमों में होती है। याद रखना, सचिन तेंदुलकर को भी इसी चीज ने महान बनाया है। वो बारिश होती थी तब भी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते थे। इसलिए हमेशा याद रखना।